मेरा बेटा अथर्व पांडे किसी दूसरे स्कूल में था और वो अपने स्कूल का टॉपर था। जयपुरिया मेरे वर्किंग प्लेस के बिल्कुल सामने था, बट स्टिल मैंने पता नहीं एक गलत परसेप्शन मेरे माइंड में बना हुआ था कि यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। बट एक टाइम पे मुझे थोड़े से उसके प्रीवियस स्कूल से कुछ ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हुए, जिसके कारण मुझे लगा कि चलिए एक साल है करके देख लेते हैं, हमारे पास आगे चॉइस है, अभी बच्चा क्लास 5th में है, अगर समझ में आया तो कंटिन्यू करेंगे। बट अभी मुझे ये मान के चलिए लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं और मेरे मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स कि मुझे कितना गिल्ट हो रहा है कि शायद मैंने अगर अपने बच्चे को 2 साल पहले डाल दिया होता, मेरा बच्चा वहां का टॉपर था, लेकिन यहाँ मतलब मेरा बेटा भी बहुत चूजी है। उसने जब एंट्रेंस दिया, आते ही उसका पहला क्वेश्चन एंट्रेंस रूम से निकल के था, मम्मी आई वॉन्ट दिस स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस स्कूल। वो तुरंत अपने प्रिंसिपल के पास गया, उसने बोला सर कैन यू शो दिस पेपर टू माई मम्मा बिकॉज शी शुड ऑल्सो नो द लेवल ऑफ दिस स्कूल। तो मुझे लगा ठीक है, आई हैव सीन द क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड वॉज वेरी गुड। बट जाहिर सी बात है कई बार पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अभी तो अच्छा है, बट जाने के बाद का एक्सपीरियंस, और आज की डेट में मैं ये इतना कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि फतेहपुर में वाकई इंग्लिश मीडियम जो एक वर्ड चलता है, वाकई में अगर इंग्लिश मीडियम वर्ड की कोई चीज है, टोटल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, बुक्स के लास्ट की एक्सरसाइज से बच्चे को कोई मतलब ही नहीं रहता, बच्चा पूरा खूब अच्छे से लर्न करके जाता है, बाद में जब बच्चा पेपर देखता है तो आप ये मान के चलिए शायद टेस्ट में क्वेश्चन चैप्टर्स 2-3 ही आते हैं, 4 ही आते हैं, लेकिन उस चैप्टर्स को इतनी तरह से मथ दिया होता है कि उसको जिस तरह से घुमा के आप ये समझ लीजिए 7th, 8th, 9th, 10th में पूछा जाता है, उससे बेटर क्वेश्चन पेपर का लेवल इनका आज की डेट में है। मैं खुद प्रोफेशन से एक टीचर हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि शायद मैंने को थोड़ी देर कर दी, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। अभी तो फिलहाल आज की डेट में जो स्थिति है मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि स्कूल्स का भी बनते बिगड़ते रहते हैं, बट आज की डेट में मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, वाकई अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो बिल्कुल जयपुरिया। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत लोगों के मन में कॉन्सेप्ट और परसेप्शन है कि यहाँ केवल कल्चरल एक्टिविटीज, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, यही सब ज्यादा होता है, लेकिन मेरा बेटा यहाँ सरवाइव कर गया, क्योंकि मेरे बेटे को किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल ही इज वेरी हैप्पी हियर। इट मीन्स फॉर एकेडमिक्स दिस स्कूल इज बेस्ट। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपसे कि वाकई जिस दिन आपका पढ़ाया 10th का पूरा पूरा बैच बोर्ड्स देगा, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, अगर आप इसी यही स्टैंडर्ड अगर आपने मेंटेन रखा तो नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।